तो मैं निकल पड़ा हूँ साउथ इंडिया की तरफ, और जो आने वाले कुछ दिन होने वाले हैं ना, इनफैक्ट आने वाले जो 2 हफ्ते होने वाले हैं, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं साउथ ऑफ इंडिया। सो स्टे ट्यून्ड, ताकि मेरे व्लॉग से आपको अगर थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिले तो शायद आप भी किसी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ेंगे। तो मेरी पहली डेस्टिनेशन होने वाली है कर्नाटका, और जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम है एकदम बारिश का, ज़ोरों की बारिश हो रही है। इनफैक्ट मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ ना, वहाँ बारिश के मौसम में लगातार 2 महीना बारिश ही होती रहती है। अगर रुकती भी है तो एक दिन में सिर्फ 10 या 15 मिनट, वरना ज़ोरों की सिर्फ बारिश होती रहती है। बट कम रेन, कम थंडर, कम स्टॉर्म, नथिंग इज़ गोना स्टॉप मी फ्रॉम हैविंग लोड्स ऑफ फन। इस बारिश के मौसम में मैं और आप करने वाले हैं ढेर सारी मस्ती। तो जिन्हें बारिश से प्यार है वो तो ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा, लेकिन जिन्हें बारिश से प्यार नहीं है वो भी देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद आपको भी बारिश से प्यार हो जाएगा। मैं इस वक्त हूँ गोकर्णा में, रिजॉर्ट का नाम है शांग्रीला जंगल रिजॉर्ट, एंड एज द नेम सजेस्ट ये जंगल के अंदर है। सो दिस एरिया, लाइक आई सेड, गोकर्णा गोवा से 1 घंटा दूर है। जो लोग नहीं जानते गोकर्णा के बारे में, कर्नाटका में आता है, जस्ट 1 आवर फ्रॉम गोवा पैंजिम से, एंड इट इज़ इन, अगर आप लोगों को पता है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ पार्क, तो ये भी एक टाइगर लेपर्ड रिजर्व है, एनिमल पार्क है भीमगढ़, तो एकदम उसके अंदर है। लाइक राइट नाउ आई एम एक्चुअली लिविंग इन द जंगल। तो ये मेरा यहाँ पे पहला दिन नहीं है, दिस इज़ माई सेकेंड डे हियर, एंड द पास्ट 2 डेज टू बी वेरी ऑनेस्ट हैव नॉट बीन ग्रेट, और मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो 14 घंटे की ड्राइव थी फ्रॉम मुंबई, तो मैं परसों रात को, मैं और विनायक निकले थे बॉम्बे से, एंड वी रीच्ड अर्ली मॉर्निंग, एट 9 AM वी रीच्ड हियर। बट यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि इस पूरे एरिया में नेटवर्क ही नहीं है, कॉलिंग नेटवर्क नहीं है, 4G नहीं है, ना वोडाफोन, ना एयरटेल, ना जियो, कुछ भी नहीं है। एंड आई हैड लाइक रियली इंपॉर्टेंट वर्क टू डू येस्टरडे। तो कल का जो मेरा पूरा दिन है ना, रिजॉर्ट में चेक इन किया, चेक इन करने के बाद बाहर गए मार्केट एरिया जो यहाँ से 15 मिनट दूर है, और लिटरली गाड़ी में बैठ के अपना फ़ोन यूज़ किया, क्योंकि वो 2 किलोमीटर दूर जो जगह है वहीं पर सिग्नल आता है। तो मेरा पूरा दिन रिजॉर्ट बाहर, रिजॉर्ट बाहर, रिजॉर्ट बाहर, उसी में निकल गया, बिकॉज आई जस्ट हैड टू गेट सम वर्क डन, इट वॉज वेरी अर्जेंट, और मुझे हेड्सअप नहीं दिया गया था अबाउट द नेटवर्क प्रॉब्लम हियर। एनीवेज, डे 1 तो चला गया है, बट वी नॉट गोइंग टू लेट दैट पुट अस डाउन। काम हो गया, एंड इन द एंड आई फील ऑल वेल दैट एंड्स वेल, और वही हुआ, सारा काम हो गया, और अब डे 2 शुरू हो गया है। और फिर मैं कल सो गया था, 8 बजे सो गया था, क्योंकि बहुत थक गया था, टू एंड फ्रो करके ना बहुत थक गया था। बट नाउ इट इज़ डे 2 हियर, एंड इट इज़ अर्ली मॉर्निंग 7 AM, एंड आई एम रेडी। बारिश हो रही है, बारिश यहाँ रुकती नहीं है, अगर रुकती है तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए रुकती है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि हम बारिश के मौसम में यहाँ आए हैं, तो हम बारिश का मौसम भरपूर उसका लुत्फ़ उठाने वाले हैं, और आप मेरे साथ लुत्फ़ उठाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये जो व्लॉग है वो होने वाला है थोड़ा मॉनसून मैडनेस टाइप, क्योंकि हर चीज़ में आपको बारिश ही दिखेगी, बट वी आर नॉट गोना लेट अस डाउन। और जो लोग, स्पेशली उन लोगों के लिए व्लॉग है जिनको लगता है ना कि यार क्या बारिश का मौसम कितना बेकार है, कितना ग्लूमी हो जाता है, कुछ करने को नहीं होता, ये व्लॉग देखिए, एंड डेफिनेटली आप इंस्पायर होंगे कि बारिश में आप निकलेंगे और मेरी तरह खूब मजे करेंगे। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको रिजॉर्ट और दिखाता हूँ अपना रूम। तो ये है एक लेक विच इज़ जस्ट ओवरलुकिंग द रिजॉर्ट, और यहाँ से अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं अभी भी फुल बारिश हो रही है, और ये है इनका द VIP स्वीट, दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है, सो आई कैन यू नो जस्ट गेट आउट, बट एनीवेज तेज़ भी बारिश होगी तो तब भी, तो ये 1, 2, 3, 4 इनके VIP स्वीट्स हैं, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज़ ओवरलुकिंग द लेक विच इज़ अ बिग अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स, बोटिंग सब ये लोग इधर ही करवाते हैं, कयाकिंग करवाते हैं एक्चुअली, जो हम थोड़ी देर में करेंगे, एंड दिस इज़ द ब्रिज दैट लीड्स टू, तो यहाँ से आप जाते हैं सीधे रिजॉर्ट की तरफ।
एंड दिस इज़ दी अदर कैटेगरी ऑफ द रूम, और इसका जो व्यू है वो इनटू द रिज़ॉर्ट है, जो लॉन है रिज़ॉर्ट के अंदर। और ये आप यहाँ से जैसे बाहर आते हैं तो सामने का जो है आपका ये व्यू है, ये इनका बैंक्वेट एरिया है और उसके आगे बहुत बड़ा लॉन है। एंड दिस इज़ देयर ब्यूटिफुल स्विमिंग पूल, काफ़ी अच्छे साइज़ का स्विमिंग पूल है एंड इज़ रियली रियली गुड। तो ब्रेकफास्ट हो गया है अच्छा खासा, बारिश हो गई है और भी तेज़, मतलब इट्स टाइम फॉर सम एडवेंचर। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया मेरा फेवरेट ज़िप लाइनिंग। तो ये जो इनकी रिवर है उसी के ऊपर इन्होंने ज़िप लाइन पूरा क्रिएट किया हुआ है। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ज़िप लाइन, आई थिंक कुछ 60 मीटर्स का है, बट इट्स सॉल्व्स द पर्पस। और ये देखिए, ये मैंने कुछ नया ट्राई किया, आई ट्राइड इट इन दिस यू नो इन्वर्टेड पोजिशन। जो करवा रहे थे उन्होंने बोला कि सर ऐसे क्यों नहीं आप ट्राई करते, ये मेरा कुछ 5th या 6th बार था, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं इस बार, क्योंकि हर बार कन्वेंशनल तरीके से ही जिप लाइनिंग करते हैं। तो ये था, एंड देन आई वांटेड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अ वीडियो, तो मैंने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा और इस वाले अटेम्प्ट में मैंने पूरा रिकॉर्ड किया एकदम सेल्फी मोड पे। और ज़िप लाइनिंग के बाद अब टाइम था कयाकिंग का, और बारिश इतनी ज़ोरों की हो गई थी ना, और करंट जो था रिवर का बहुत तेज़ हो गया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि हम दो लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल इंसान से तो मनूवर ही नहीं हो रही थी कयाक। और फिर टुवर्ड्स द एंड थोड़ी बारिश रुकी एंड इट बिकेम ईजियर, और आसानी से हम कयाकिंग कर पाए। और उसके बाद क्या था, उसके बाद जब पानी में इतना गीले हो ही गए थे, बारिश में गीले हो गए थे, तो टाइम था थोड़ी और मस्ती करने का, थोड़ा बारिश में खेलने का, थोड़ा पानी इधर उधर उछालने का। अपने बचपन के दिन याद आ गए जब बारिश होती थी और छत में जाकर हम खेला करते थे। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग रियली रियली कोल्ड वंस ऑल ऑफ दिस वाज डन, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही थी लेकिन पूरी बॉडी गीली हो गई थी, एंड इट वाज द परफेक्ट टाइम टू हैव अ नाइस हॉट स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी, ताकि जितनी जो बारिश में मस्ती की थी उससे हमारी तबीयत ना ख़राब हो, इसलिए एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी। एंड इनफैक्ट एक कप क्या, इस टाइम पे ना मैं 2-3 कप कॉफ़ी के पी सकता था, और उसके साथ साथ गरम गरम सूप अगर मिल जाता तो और भी मज़ा आ जाता, जो हम मचा रहे हो भाई, जन्नत में एकदम। तो लंच के बाद मैंने बनाए दो नए दोस्त। व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू आर पोनीज। डिफरेंस क्या है, हॉर्सेस जनरली साइज में दे आर टॉलर एंड पोनीज आर हॉर्सेज ओनली, बट इनका साइज़ जो होता है ना काफ़ी छोटा होता है। तो इनके साथ बहुत खेलने का मन तो था, लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम था तो ज़्यादा इनको घुमा नहीं सकता था। और अब पूरे दिन में इतना सारा धमाल करने के बाद यार मसाज तो बनती है ना, सही में मतलब एक मसाज तो बनती है, बिकॉज आई फेल्ट रियली टायर्ड द पास्ट 2 डेज ना, उन्होंने पूरा मेरे में से निचोड़ लिया था। सो आई केम फॉर अ नाइस फेस मसाज एंड अ फुल बॉडी मसाज। और आपने सोचा होगा ये कि ये सब करने के बाद मैं सो गया हूँगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हम में है एडवेंचर का कीड़ा। तो मैं निकल गया रात को जंगल के थ्रू एक ड्राइव के लिए। एंड अगर आपको रात को ना निकलना हो, अगर आप में उतना एडवेंचर सीकिंग नेचर नहीं है, तो कोई नहीं, तो आप इस जगह के बाहर जो ऑफ रोडिंग ट्रैक है वहाँ पर सुबह या दोपहर जब भी आपका मन करे, या शाम को आप ऑफ रोडिंग के लिए जा सकते हैं। और क्या है कि बारिश के मौसम में ना ये थोड़ा ऑफ रोडिंग का मज़ा कुछ अलग ही आता है, और स्पेशली अगर आसपास पूरा जंगल हो तो वाह जी वाह, मतलब बहुत मज़ा आपको आएगा। तो ये था हमारी साउथ जर्नी का पहला स्टॉप। कहानी हर व्लॉग के साथ आगे बढ़ती जाएगी, हम हर व्लॉग में किसी नई जगह पर होंगे। और आपको अगर ये मेरा मॉनसून व्लॉग, ये मॉनसून मैडनेस, ये मॉनसून की मस्ती अगर आपको पसंद आई, तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आई होप कि मैंने आपको इंस्पायर किया मॉनसून में बाहर निकलने के लिए और खूब सारी मस्ती करने के लिए।